कल का एल क्लासिको देख करके आई एम प्रीटी मच श्योर दैट सभी बारसा फैंस का रिएक्शन कुछ यही होगा। दिस गाय हैज डन इट अगेन, जूड बेलिंगम मेरे भाई। एंड एवरी टाइम इन माई प्रीवियस वीडियोज जहाँ पे हमने रियल मैड्रिड के बारे में डिस्कस किया है, व्हेन आई यूज टू प्रेज अबाउट जूड बेलिंगम ना कि भाई जूड बेलिंगम जैसे खिलाड़ी मैंने नहीं देखा है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल भाई रियल मैड्रिड ने गजब का प्लेयर पाया है, मैनी ऑफ द बार्सा फैन यूज टू कमेंट टैप इन मर्चेंट है भैया, ये दो टैप इन मर्चेंट है। हो गया, टैप इन मर्चेंट ने मार दिया कि स्क्रीमर अपने ही क्लब के खिलाफ, सालो मत करा करो ना ये भाई। तुम फुटबॉल नहीं देखे हो लंबे समय से, तुमको समझ में नहीं है कि कौन सा प्लेयर सच में वो लेजेंडरी स्टेटस रखता है। जूड बेलिंगम वो लेजेंडरी स्टेटस रखता है भाई, और केवल वो लेजेंडरी स्टेटस ही नहीं, वो मेंटेलिटी भी है जूड बेलिंगम की यार, कि भाई मेरी टीम 1-0 डाउन है, मैं पूरे गेम में ओन हो चुका हूँ गावी के खिलाफ, मेरे को अराउ धक्का मार के गिराया, मेरे को गावी जैसा छुटंकू प्लेयर धक्का मार के खिलाया, लेकिन यू नो वॉट, मैं जूड बेलिंगम हूँ, मेरे को 100 मिलियन प्लस में जो है वो रियल मैड्रिड ने खरीदा है, मैं रियल मैड्रिड गैलेक्टिको प्लेयर भाई, फक इट, मैं जूड बेलिंगम हूँ। हाफ लाइन से थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे भाई, डी से 1 किलोमीटर पीछे जूड बेलिंगम क्या ही शॉट लेता है, गोल मारता है भाई, वो मेंटेलिटी है इस बंदे के अंदर। एंड दोस पीपल हु से कि वो टैप इन मर्चेंट है भाई, अगर टैप इन मारने इतने आसान है, लुकाकू के क्यों नहीं थे अच्छे गोल्स प्रीमियर लीग में, क्यों नहीं टीमो वर्नर के थे गोल्स, क्यों स्ट्राइकर्स यू नो दिक्कत में पड़ जाते हैं प्रीमियर लीग में या फिर दूसरे लीग्स में भी हम देखते हैं टैप इन मारने में, भाई जूड बेलिंगम के पास वो फिनिशिंग टच है, वो जानता है कब मेरे को कहाँ प्रेजेंट होना है भाई, और फिनिशिंग मामले में जूड बेलिंगम ऐसा कमाल का प्लेयर, और वो कल हमको वो दिखा दिया यार। तो जितने लोग कह रहे थे कि जूड बेलिंगम टैप इन मर्चेंट है, मेरे ख्याल से वो डाउट क्लियर हो गया होगा। बट क्या हुआ गेम में, इवन दो बार्सिलोना हारी इस गेम को 2-1, आई कैन लिटरली से दैट बार्सिलोना ओन्ड रियल मैड्रिड फॉर 70 मिनट्स, क्लियरली स्ट्रेट 70 मिनट्स। तो कहाँ पे शावी गेम हारा, वॉज इट एंचेलोटी टैक्टिकल मास्टर क्लास और इट वॉज शावी नॉनसिकल, आप कह सकते हैं भाई सब्स्टिट्यूशंस। क्या हुआ कल के गेम में, आज की वीडियो में एग्जैक्टली वही मैं आपको बताने वाला हूँ टैक्टिकल एनालिसिस के थ्रू। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो फॉर हेल्पिंग अस टू रीच 100K का माइलस्टोन, बिकॉज हमको 100K आप ही पहुंचा सकते हो, तो प्लीज़ हेल्प अस टू रीच दैट माइलस्टोन। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के, लाइनअप के बारे में डिस्कस कर लूँ तो भाई लाइनअप मेरे ख्याल से शावी ने परफेक्टली बॉइज लाइनअप उतारी थी, जो इस रियल मैड्रिड को, जिसको बहुत सारी टीम्स हराने में नाकाम हुई है इस सीजन, जो गोल्स मार रही है विदाउट स्ट्राइक, उस रियल मैड्रिड को रोकने के लिए परफेक्ट लाइनअप थी ये। ये जो कॉम्बिनेशन था कंसेलो और अराउओ का, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल एंड वर्क्ड लाइक चार्म भाई साहब फॉर 70 मिनट्स स्ट्रेट, मैं कह सकता हूं। और फर्मिन लोपेस को ऐसा कैम स्टार्ट करना विद फेलिक्स एंड टोरेस अप फ्रंट, इट वाज जस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम शावी। ऑल दो एंचेलोटी की तरफ से हमको एक वही लाइनअप देखने को मिली, और एंचेलोटी मेरे ख्याल से जो अब उसको ऐसा परफेक्ट टीम 11 मिल जाता है ना, वो वही उतारता है मेरे ख्याल से। वो जो एक इंग्लिश में नहीं वर्ब चलता है कि इफ इट एंट ब्रोक डू नॉट फिक्स इट, या ऐसे करके कुछ चलता है, कार्लो एंचेलोटी उस चीज़ को अपने दिल में बांध के रखा है भाई, ठीक है। लेकिन यू नो वॉट, इवन इवन भाई साहब मैं कह सकता हूँ बार्सिलोना में अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे थोड़े से, मैं कह सकता हूँ फर्मिन लोपेस भाई नया बंदा आया है भाई, कहाँ तुम उसको कहाँ बोल रहे हो भाई, स्टिल बार्सिलोना जो है वो भाई ओन कैसे कर दे रियल मैड्रिड को, ये जानने के लिए टैक्टिकल बोर्ड में घुस। इस स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं अपन फॉर्मेशन क्या चल रही थी गेम में। सो दोस्तों देखो, बार्सिलोना एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन खिला रही थी जो वो लाइनअप में दिखा रही थी, अक्सर हमने देखा इधर उधर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन इस फॉर्मेशन में कैसे बार्सिलोना ओन कर रही थी मैड्रिड को ये समझना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, वही जो है वो बैक फोर अपन को देखने को मिला, अराउओ, क्रिश्चियनसन, मार्टिनेस एंड बाल्दे, फिर वो मिडफील्ड में कंसेलो, गावी, गुंडुगान, फर्मिन लोपेस जो बीच में ऊपर नीचे हो रहा था फॉल्स नाइन टाइप, एंड फेलिक्स एंड भाई साहब यहाँ पे फरान टोरेस। और बार्सिलोना में एक चीज जो काफी अच्छी मेरे को लगी और वो थी ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, बार्सिलोना के काफी बेहतरीन थे कल। इवन दो रियल मैड्रिड भाई साहब पहली मिनट से बार्सिलोना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे विनिशियस जूनियर, चुआमिनी, टोनी क्रूज, जूड बेलिंगम ये भी देख रहा है, सब घुस रहे हैं भाई इसके ऊपर ना कि ये बॉल डिस्पोजेस करे, प्रेस कर रहे हैं। एंड इवन ऑफ द रन जो मतलब ऑफ द बॉल जो रन बन रहे हैं वो भी मार्क किए जा रहे थे, एंड स्टिल बार्सिलोना इस गजब के प्रेसिंग चंगुल से बाहर निकल कर के आ रही थी बिकॉज ऑफ गुंडुगान। गुंडुगान इज वन ऑफ दोज प्लेयर दोस्तों जो एक टूटी फूटी मिडफील्ड को भी प्यारा सा बना
बना सकता है जो बांध के रखता है मिडफील्ड को, और उसकी पासिंग इज जस्ट ब्रिलियंट। वो पेप गार्डियोला वाली मैन सिटी में सीख गया है कि मेरे को कैसे वो क्विक टचेस वाली पासिंग करनी है दोस्तों। इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल एंड ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, पता नहीं शावी क्या सिखाता है अपने लामासे के प्लेयर्स को दोस्तों, वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। तुम देख सकते हो प्ले भाई, इधर इतने प्रेसिंग में भी दे जस्ट डू क्विक 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 पासेस एंड इट्स अ गोल। और वही अपन को देखने को मिला दोस्तों, ये देखे क्विक पासेस हुआ फरान टोरेस और गुंडूगान के बीच में, एंड दे आर बोथ यू नो जो पेप गार्डियोला के साथ रहे हैं मैन सिटी में, दे नो हाउ टू प्ले दिस स्टफ, एंड शावी भी मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ खिला रहा है। सो आप देखें यहाँ पे सट 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 जो है वो पासिंग हुई और गुंडूगान आगे गया, और भाई थोड़ा सा लकी भी हुआ कि बॉल छिटक के इसके पैरों में ही आ गई, बट ही नोज हाउ टू फिनिश थिंग्स ऑफ एंड वो गोल मार के जो है वो 1-0 की लीड दिला देता है 6वें मिनट में ही। पहला गोल अपना मारता है बार्सिलोना के लिए एल क्लासिको जैसी स्टेज में, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। एंड इट्स जस्ट दैट बार्सा डीएनए, पेप गार्डियोलास डीएनए जो बार्सिलोना में रेप्लिकेट करवाना चाह रहा है शावी। आप देखें वो कैसे काम कर रहे, प्रेस कर रही है रियल मैड्रिड, एंड दे आर नॉट यू नो पीनट्स प्लेयर। ये जुआ मिनी है जिसको वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर कहा जाता है जो प्रेस कर रहा है। हाँ ये देखो आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, ये भाई ये जुआ मिनी है, ये टोनी क्रूज है वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्डर, ये कारवाहाल है भाई, ये अपना रूड्रिगर है, ये डेविड एल्बा है, दी आर कंसिडर्ड एज वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स दोस्तों। और इससे कैसे आप निकल जा रहे हो, इट्स जस्ट ब्रिलियंट दोस्तों। तो ये ऑफ द बॉल मूवमेंट्स बार्सिलोना के इतने बेटर थे, नॉट ओनली ऑन द अटैकिंग साइड बट ऑल्सो इन द डिफेंसिव साइड की मैं क्या ही बोलूँ। एंड उसके चलते ही गोल पड़ा, और आप डेविड एल्बा का चेहरा देख सकते हो यहाँ पे ही, और शॉक्ड कि भाई ये क्या चल रहा है। ऑफ द बॉल मूवमेंट्स आप कर सकते हो, प्रेस करने के लिए भी, प्रेशर डालने के लिए भी, प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पे बार्सा प्लेयर्स, एंड वो प्रेशर के चलते तुम देखो गावी भाई पीछे से टोनी क्रूज को आके यहाँ पे जो है वो चैलेंज करता और बॉल खींच के ले जाता है, ब्यूटीफुल फ्रॉम गावी। और भाई बॉल जाती है फर्मिन लोपेस के साथ, पर फर्मिन लोपेस जो है वो भाई साहब शॉट लेते हैं, बट वो शॉट फिर से पोल लग के चली जाती है छिटक करके। यहाँ से वो शॉट ये नियर पोस्ट वाली लेने की कोशिश किया था जो छिटक करके बॉल से बाहर आ गई, मे बी वो शायद फरान टोरेस को दे देता बॉल तो फरान टोरेस गोल मार देता, या फिर वो एक ऐसे वाले शॉट को लेता कर्ल शॉट को तो गोल हो जाता, लेकिन ऑब्वियसली वो टफ एंगल रहता है, यहाँ टेबल में बैठ के बोलना आसान रहता है। बट हाँ ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, प्रेस कर रहे हैं, बॉल आ रही है, एंड आपको ऐसे जब चांसेस मिलते हैं अगेंस्ट टीम्स लाइक रियल मैड्रिड जो जानते हैं कि भाई हाउ टू राइज फ्रॉम द एशेस, जो जानते हैं कि भाई हमको कैसे यू नो कम बैक करना है, यू नीड टू जस्ट फिनिश ऑफ, मतलब यू जस्ट कैनॉट वेस्ट चांसेस लाइक दिस, आपको फिनिश करना है भाई, और आप वो नहीं करोगे तो फिर आप खामियाजा भुगतो के भाई, और भुगता बार्सिलोना ने। ऑल्दो ऑन द डिफेंसिव साइड बार्सिलोना वाज जस्ट ब्रिलियंट, आप देखें किस तरीके से वो भाई साहब अटैक कर रहे थे बॉल के ऊपर, और इसके चलते ना रियल मैड्रिड के पास लिटरली कोई ऑप्शन रह नहीं जाता था कि हम देखो अब वो टैक्टिकल मास्टर क्लास हाउ कंसेलो एंड अराउओ दोनों कैसे घुसे हुए हैं, एंड गावी भाई ऑलराउंडर प्लेयर फर्स्ट हाफ के पूरे गेम में आई शुड से दैट गावी इंप्रेस्ड मी अ लॉट भाई, ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच। देख सकते हैं जूड बेलिंगम को तो भाई लेजिट वो पॉकेट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो ऐसे घुसती थी बार्सिलोना तो मैड्रिड के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता था विनीशियस को बॉल देने के अलावा। अब यहाँ पे भाई जूड बेलिंगम विनीशियस को देता था, विनीशियस थोड़ा सा यहाँ से ड्रिफ्ट होकर के बॉल पास कर देता था कोई भी एक मिडफील्डर को खोज करके, ये देखो ये ड्रिफ्ट होकर के हाँ मिडफील्डर को जो है वो बॉल दे दिया, मोस्ट प्रोबेबली उसने चुआमिनी को बॉल दे दिया, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना यहाँ पे, इन दोनों को इन लोग मार करके रखे हैं। फर्मिन लोपेस गावी को काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहा था, एंड गुंडूगान को भी ये हेल्प कर रहा था, एंड फर्मिन लोपेस के ही चलते मैं कह सकता हूँ फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने डिफेंसिवली होल्ड करके रखा था रियल मैड्रिड को, जो सेकंड हाफ में मिस करी बार्सिलोना। सेकंड हाफ में आपने फर्मिन लोपेस आया नहीं पीछे और उसने हेल्प नहीं करी बार्सिलोना को। अब ना अब भाई रियल मैड्रिड के पास यहाँ पे कोई स्ट्राइकर तो है नहीं कि वो विनीशियस यहाँ से दौड़ करके जाए, स्ट्राइकर को क्रॉस डाले और गोल हो, जैसा उन लोग बेंजेमा के साथ करते थे। अनफॉर्चुनेटली भाई वो यही रूट अपनाना पड़ रहा है। एक स्ट्राइकर आएगा ना दोस्तों यहाँ पे तो मैं तुमको सच बता रहा हूँ मैड्रिड के गेम बहुत बेहतरीन हो जाएगी अटैकिंग वाइज। वो वहाँ पास दे रहा है कारवाहाल के पास, बॉल आ रही है, कारवाहाल क्रॉस डाल रहा है, क्रॉस अच्छे से नहीं जा रहा है, फिर इन लोग लूटा जा रहे हैं बिकॉज जस्ट द प्रेसिंग इज अनबिलीवेबल। कंसेलो कभी लूट ले रहा है विनीशियस से, तो कभी वो लूट ले रहा है, बॉल आगे जा रही है, फिर आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है एंड स्टिल आप वो चांस फिनिश नहीं कर पा रहे हो। यू नीड टू फिनिश ऑफ दीज चांसेस मैन अगेंस्ट टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, नहीं तो तुम गोल खाओगे ही खाओगे दोस्तों। एनीवे सो
ब्रिलियंट फ्रॉम अराउओ विनिशियस जूनियर को ओन किया कल लाइक लेजिट भाई। डिस्पाइट गेम का रिजल्ट क्या था क्या नहीं था, एक इंडिविजुअल बैटल अगर मैं बोलूँ ना कि इंडिविजुअली वर बार्सोना प्लेयर्स वर बेटर देन रियल मैड्रिड, आई गेस मैड्रिड फैंस ऑल्सो विल अग्री कि हाँ बार्सा प्लेयर्स वर बेटर। जूड बेलिंगम ऑब्वियसली वो तो भाई एक अलग ही खिलाड़ी है, वो अगर अपने औकात में आ गया तो मेरे ख्याल से जिडैन की भी लेगेसी को वो पार कर सकता है रियल मैड्रिड में। बट विनिशियस को अराउओ कंसेलो रोक करके रखे हुए थे, मिडफील्ड में गुंडोगान वाज बॉसिंग टोनी क्रूज, डिफेंस में इनिगो मार्टिनेस ने गजब गजब सेव्स करे हैं आपके प्लेयर्स के। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में बार्सिलोना जीती है, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना जीती है, बट बार्सिलोना वर्सेस जूड बेलिंगम में बार्सिलोना हार गई है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वंस अगेन बात करेंगे इसके बारे में। सो वही लूट बाजी यहां हो जाती थी और भाई बार्सिलोना बॉल आगे लेकर के जाती थी, बट इवन दो देखो ना कितने अच्छे चांस है यहां पे बार्सिलोना के पास है ना अटैक मारने के लिए। इट जस्ट ओपन 2v3 मैं कह सकता हूं, आप कह सकते 3v3 कह लो ना चांस है भाई। अरे वो शुड हैव बीन यू नो पिक्ड दिस पास और ये आगे जा करके गोल, भाई नेमार कहां हो तुम वापस आ जाओ लेकिन देखो अब वही हुआ ठीक है, तो वो हो नहीं रहा था एनीवेज। तो अब सिंस रियल मैड्रिड के पास ज्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं, बार्सिलोना डिफेंडिंग काफी अच्छी कर रही थी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो रियल मैड्रिड के पास एक ही चारा था कि अपन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पासेस लॉन्ग शॉट्स, और रियल मैड्रिड एक्जैक्टली वो कर रही थी जिसकी प्रेस मैं उनकी हमेशा से करते आया हूँ कि इन लोग वन पास में गेम खत्म कर सकते हैं। ही ट्राइड टू पास इट टू कारवाहाल एंड कारवाहाल आगे बढ़ करके शॉट लेते हैं टर्स्टेगन के ऊपर, लेकिन वो बॉल वाइड चली जाती है क्योंकि ऑब्वियसली कारवाहाल इज नॉट विनिशियस जूनियर और रोड्रिगो, बट ऑब्वियसली दिस कुड बी डन है ना एक अच्छे डिफेंसिव साइड के खिलाफ। एनीवेज सो फर्मिन लोपेज के पास वंस अगेन एक चांस आया था सेकंड हाफ के 50th मिनट में, आप देख सकते हो जो फर्मिन लोपेज ने फिर से जो है वो मिस करी थी, विच आई थॉट कि भाई इसको गोल हो जाना चाहिए था। एंड मेरे ख्याल से ये अराउओ ने फिर से शॉट भी लिया था और वो जो है वो भाई रोक लिया था, बट देन आया भाई साहब गेम में कामाविंगा। अब इसके आने के बाद दोस्तों ये जो मैंने आपको सिचुएशन समझाया ना, ये लेफ्ट विंग में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। देखो यहाँ पे कैसे मेंडी ओवरलैप कर रहा है बट इट्स ऑफ नो यूज़ है ना, क्योंकि कंसेलो रोक करके रखा है और लेफ्ट में ये लुटा जा रहा है भाई। यहाँ पे देखो फिर कितना गैप बन जा रहा है, एंड इवन यहाँ पे भी लेफ्ट में देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट विद विनिशियस जूनियर, वो यहाँ पे क्या करेगा इसके पास बॉल आ जाएगी तो। बट जब कामाविंगा आया ना भाई, कामाविंगा आकर के जो हेल्प किया है विनिशियस जूनियर को, इट वॉज इनक्रेडिबल। मेरे ख्याल से अगर रियल मैड्रिड गेम बदला तो कामाविंगा के आने के बाद और लुका मॉड्रिच के आने के बाद। सो कामाविंगा यहां पे आ गए हैं मैच में, बस मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था। एंड कामाविंगा के आने के बाद देखो दोस्तों द गेम वाज जस्ट ब्रिलियंट, यहां से जो है वो भाई गेम बनने लग गया रियल मैड्रिड का। दिस वाज द वेरी फर्स्ट चांस जहां पे जूड बेलिंगम को गावी ने जो है वो भाई स्लाइडिंग टैकल मार के रोका था। एंड ऑल ऑफ दोस पीपल हु कंपेयर गावी एंड जूड बेलिंगम, दोस्तों आप देख सकते हैं यू शुड नॉट कंपेयर दीज टू गाइस, यू नो वॉट, जूड बेलिंगम एक अलग लेवल का फुटबॉलर है, वो अटैक में बहुत इन्वॉल्व रहता है। एंड गावी ये स्क्रीनशॉट शूट यू नो प्रूव एंड टेल यू गाइस टू नॉट कंपेयर दीज टू गाइस, गावी बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली इन्वॉल्व रहता है। आप नहीं आप मैं मतलब आई शुड नॉट से कि गावी कैसा मीरो है, बट यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर, जैसे आप नहीं कंपेयर कर सकते हो ना कैसा मीरो, उन्हें तो बहुत वियर्ड हो जा रहा है ये गावी को कैसा मीरो बोलना, बट एक डिफेंसिव मिडफील्डर काइंड ऑफ प्लेयर को जो बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, जो ज़्यादा अटैक में इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसको आप एक प्रॉपर कैम्प से नहीं कंपेयर कर सकते, बस मैं वो कह सकता हूँ भाई ब्यूटीफुल फ्रॉम गावी। बट पता कैसे जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना गेम में दोस्तों, गेम चढ़ते गया ना, बार्सिलोना बिकेम स्लॉपी ऑल ऑफ अ सडन। मे बी इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस इन बार्सिलोना मेड, क्योंकि बिफोर द सब्स्टिट्यूशंस आई कैन सी कि बार्सिलोना वॉज स्टिल गुड। यहाँ पे देखो एक इट वॉज अ ब्रिलियंट चांस भाई साहब मेड फ्रॉम इनिगो मार्टिनेस टू कह सकते हैं यहाँ पे जो है वो बॉल दिया गया था कंसेलो, कंसेलो को देखो बॉल मिली और कंसेलो भाई लिटरली इसको शॉट मार के गोल मारना ही चाहिए था, बट पता नहीं यार आप ऐसे चांसेस नहीं फिनिश करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे रियल मैड्रिड के खिलाफ, और एग्जैक्टली वही हुआ, नहीं शॉट फिनिश कर पाया। एंड देन आप देखें यहाँ पे कामाविंगा आकर के जो हेल्प किया है ना दोस्तों, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। कामाविंगा यूज टू, अब मेरे पास वो स्क्रीनशॉट होगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ड्रॉप डायगोनली इनटू द मिडफील्ड, जिसके चलते फर्मिन लोपेस बहुत ज़्यादा थक गया था और फर्मिन लोपेस जो है वो हेल्प नहीं कर रहा था अब जैसा वो पहले कर रहा था गुंडोगान और गावी की मिडफील्ड में बैटल्स जीतने के लिए। तो ये कामाविंगा का इन्वॉल्वमेंट भाई रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को एक अच्छा बूस्ट दिया, जिसके चलते ऑब्वियसली गेम बदला। ऑल दो इंडिविजुअली जैसा मैंने आपको बताया बार्सिलोना वॉज बेटर और बार्सिलोना बेटर थी, बट असली गेम तो यहाँ बदला मॉड्रिच के आने के बाद। जैसे ही मॉड्रिच आ गए गेम में भाई, कामाविंगा स्टार्टेड टू ड्रॉप मोर अहेड मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कामाविंगा यहाँ पे भाई साहब, फिर देखें कामाविंगा यहाँ पे कैसे वो डायगोनल है अब विनिशियस जूनियर के। कामाविंगा इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो अपना
मतलब मेंटल स्थिति नहीं हारता है. ही नोज माई टीम इज 1-0 डाउन, आई नीड टू डू समथिंग. ही इज द प्लेयर हु विल आस्क द बॉल ऑन हिज फीट की गिव द बॉल टू मी, आई कुक, आई डू समथिंग. इवन इन द फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल में जब कामाविंगा आया था, वर्ल्ड कप का फाइनल चेंज हुआ था, एंड जब जब मैंने कामाविंगा को देखा है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट ओनली, कि ये ऐसा प्लेयर है जो आ करके पिच में बॉल मांगते हैं अपने पैरों पे और बोलते हैं कि दो मेरे को बॉल, मैं कुछ करके दिखाऊंगा. एंड एग्जैक्टली वो होता है दोस्तों. कामाविंगा भाई आकर के लेजिट मिडफील्ड में ड्रॉप हो रहा था, एंड वही जो है वो गेम बदला है. जूड बेलिंगम के पास बॉल आती है कामाविंगा के ही जो है वो कुछ प्लेस के बाद, और वो बॉल जूड बेलिंगम के पास आती है. जूड बेलिंगम साइड की भाई आई एम दी 100 मिलियन गाय, फक इट, मैं गोल मारता हूँ. ही टुक दिस शॉट, एंड भाई इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल शॉट जो टस्टेगन नहीं रोक पाया. इट वॉज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टस्टेगन से, कि ही शुड हैव स्टॉप्ड इट, बट पावर इतना अच्छा था, प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी कि टस्टेगन भी कुछ नहीं कर पाया. 1-1 जो है वो गेम हो जाता है. एंड इस 1-1 के बाद बार्सिलोना मेड सम हॉरिबल चेंजेस, एंड दोज हॉरिबल चेंजेस वर रफीनिया आया, फिलिक्स गया, लमीन यमाल आया, कंसेलो गया. क्या कर रहे हो आप शावी? अब अपने गेम के बेस्ट दो खिलाड़ी को हटा दिए आपने, कंसेलो को हटा दिया जो बेस्ट खेल के, मतलब जिसके चलते विनीशियस रुका हुआ था, एंड जैसे ही कामाविंगा आया वो लेफ्ट विंग और ज़्यादा एक्टिव हो गई, तो आपको अब और भी ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे कंसेलो की, और आपने कंसेलो को ही हटा दिया, हु हैड हिज बेस्ट गेम मेरे ख्याल से बार्सिलोना की शर्ट में. रही बात भाई जॉ फिलिक्स की, जॉ फिलिक्स वॉज एटलीस्ट यू नो प्रोवाइडिंग समथिंग अस इन द डिफेंस, एंड वो ड्रिबल वगैरह तो कर पा रहा था, एंड आपने लमीन यमाल को आउट ऑफ द पोजीशन उतार दिया, एंड बार्सिलोना गेम यहीं पे हारी. आपने गलत सब्स्टिट्यूशंस कर दिए, लेवेंडोस्की भी आ गया फरान टोरेस के बदले, जो कितना अच्छा ड्रॉप कर रहा था मिडफील्ड में, हेल्प कर रहा था. भाई नहीं रफीना के पास मैच शार्पनेस थी, नहीं लमीन यमाल अपने लेफ्ट विंग में कुछ कर पाता, नहीं लेवेंडोस्की के पास वो मैच शार्पनेस थी, और जो मिडफील्ड में हमारे तीनों बंदे फर्मीन लोपेस को चलो ठीक ओरियल रोमेनू से हटाए, बट ओरियल रोमेनू में कुछ ऐसा खास काम नहीं किया, तो तीनों बंदे जो मिडफील्ड में ड्रॉप करके बार्सिलोना को हेल्प कर रहे थे ना, अब वो हेल्प ही नहीं कर रहे. अब मिडफील्ड खुल गई बार्सिलोना की, और इसके चलते देयर वर कपल ऑफ प्लेस आप देख सकते हैं. दिस वंस अगेन दिस कामाविंगा गाय भाई अनोइंग भाई मिडफील्ड में ये क्या कर रहा है आप सोच रहे होंगे, बट ये डायगोनल रन्स बना रहा था और ये डायगोनल रन्स ही खा गई बार्सिलोना को, और अब मिडफील्ड में कोई नहीं है. और मिडफील्ड में पता कौन है? टकलू ओरियल रोमेयू, हु वाज ओपनिंग अप स्पेसेस. भाई साहब कितने स्पेसेस ओपन हो रहे थे कल सेकंड हाफ में, पूरी इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई. अराउ सोच रहा होगा कि मैंने क्या गलती की शावी सर, जो आपने रफीना को मंगा दिया, कंसेलो को हटा दिया, मिडफील्ड इतनी अच्छी हमारी चल रही थी, आपने सब अच्छा हक दिया, मैंने क्या गलती करी इतना अच्छा गेम खेल करके. देखें यहाँ पे अटैकिंग चांस बनता है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगेंस्ट बार्सिलोना में थी. इनिगो मार्टिनेस, क्रिश्चनसन ने बचाया है कल बार्सिलोना को लेजिट. वो गलतियां जो राउओ सॉरी अपना ओरियल रोमेयू कर दे रहा था, इट वाज ओनली इनिगो मार्टिनेस हु सेव्ड अस, एंड यू नो हमने तो हार रहे थे ये गेम 3-1 से हार रहे थे, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस वंस अगेन. गुंडूंगन आगे जाते हैं भाई, स्किप्स पास द होल डिफेंस एंड मिडफील्ड ऑफ मैड्रिड, पास यहाँ पे डालते हैं लेवेंडोस्की को. लेवेंडोस्की शुड हैव गोल, मतलब शॉट दिस, एंड यू नो फर्स्ट टच शॉट लेना चाहिए था, बट वो पता नहीं क्या हग्गू मत्तू करके कहाँ पहुँच जाता है. एंड देन वंस अगेन कामाविंगा बॉल लूट करके जा रहा है विनीशियस के पास, एंड देन यू नो इट वॉज वंस अगेन इनिगो मार्टिनेस और क्रिश्चनसन सेविंग अस. आगे बॉल जाती है, क्रॉस आता है, देख रहे हो टस्टेगन बचा रहा है, एंड ऑल ऑफ सडन ये पूरा जो एक माहौल बार्सिलोना ने इंटेंसिटी का बनाया के रखा था भाई मिडफील्ड में, वो ड्रॉप हो गई है. हैं ओरियल रोमेयू पता नहीं क्या कर रहा है, कामाविंगा इज नाउ मोर इन्वॉल्व, इतना सारा स्पेस छूट गया मिडफील्ड में, पूरा मतलब गू हो गया भाई अचानक से, पता वो पूरी इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई जैसे ये प्लेयर्स आए. रफीनिया पता नहीं क्या कर रहे हैं, एंड अटैक बन रहे हैं वो तो फिर से वंस अगेन इंडिविजुअल प्लेयर में बताया ना, ये देखो इनिगो मार्टिनेस ही वाला प्लेयर बचाते हैं, देखो इनिगो मार्टिनेस बचाता वरना ये भी गोल थी. तो ये इंटेंसिटी ड्रॉप होती है, मैड्रिड बहुत अच्छा खेलने लग गए इन दी एंड, डाइंग मूवमेंट्स कंसेलो के पास, ये अपना ये जोसेलो के पास ये बॉल थी, वंस अगेन इनिगो मार्टिनेस सेव्ड अस, एंड रियल मैड्रिड कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस. बट आप देखो इतने सारे चांसेस मैड्रिड को दे दोगे और ये मैड्रिड है ये कहीं ना कहीं से चांसेस बना ही लेगी. कामाविंगा वंस अगेन विदाउट कंसेलो अराउओ वॉज हेल्पलेस. कामाविंगा जो है वो भाई कोशिश करा ले देखे बॉल पहुँच जाती है यहाँ क्या बोलते हैं कारवाहाल तक, ये क्रॉस
डालता है। मिडफील्ड में इंटेंसिटी है ही नहीं, कोई मिडफील्ड से आया ही नहीं डिफेंस में हेल्प करने के लिए। टोनी क्रूज के तरीके से यहाँ पे जो है वो भैया क्रॉस डेला कारवाहाल का लुका मॉड्रिच, आई डो नॉट नो इफ ही ट्राइड टू यू नो शॉट हिमसेल्फ इसको गोल मारने के लिए, बट बॉल इवेंचुअली जूड बेलिंगम के पास जाती है। जूड बेलिंगम भाई नटमैक वाला गोल मारता है टर्स्टेगन को, भाई गजब, भाई गजब। तो ये लकी वाला गोल है, अनलकी वाला गोल है मुझको नहीं पता भाई, लेकिन एक तो ऑन साइड खिलवा दिया जूड बेलिंगम को, लाइन देखो कहाँ पे है और इनिगो मार्टिनेस कहाँ पे है, लाइन यहाँ पे चल रही है, इनिगो मार्टिनेस यहाँ है। ही ट्राइड टू क्लियर दी बॉल ऑफ, बट वो बॉल क्लियर नहीं हुई जस्ट बिकॉज यहाँ पे लुका मॉड्रिच का डिफ्लेक्शन लग गया टू ये समझ नहीं पाई इनिगो मार्टिनेस, और टर्स्टेगन के पैरों के बीच से जो है वो गोल पड़ता है शेमफुल यहाँ पे टर्स्टेगन को करके जो है वो। विनीशियस जूनियर फिर नाटक भी कर रहा था मैच में, जिसके चलते जो है विनीशियस जूनियर को कार्लो एंचेलोटी खींच के ले गया। ये बंदा ना ये अट्रैक्ट करता है पता, हेट और हर एक गंदी चीज़ जो इसे इसको वो घेरती है ना, ये अट्रैक्ट करता है और इसको रोकना चाहिए इन सब चीज़ों को। लेकिन अब बस बात वही है ना कि मैं बोलूँगा तो फिर मेरे को गाली पड़ेगा, तो मैं नहीं बोलता कुछ। लेकिन पूरे गेम से ना ये समझ में आया कि कार्लो एंचेलोटी यू नो का टेक्टिकल एनालिसिस जो अपन ने किया, मैं फिर से कह रहा हूँ कार्लो एंचेलोटी को उसके इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही बचा रही है उसके प्लेयर्स की। इट्स नॉट कार्लो एंचेलोटी हु इज विनिंग दिस गेम्स, इट्स जूड बेलिंगम हु इज विनिंग दिस गेम्स, इट्स लुका मॉड्रिज हु इज विनिंग दिस गेम्स। पिछले सीजन इट वॉज बेंजेमा एंड विनीशियस जूनियर जो इस टाइप की परफॉर्मेंस डाल करके कार्लो एंचेलोटी को जिता देते थे गेम्स, लेकिन अब इस सीजन इट्स जूड बेलिंगम। एंड अगर जूड बेलिंगम की तरफ से वो अनबिलीवेबल गोल नहीं आता, आई गेस ये गेम ड्रॉ होने वाला था। तो कार्लो एंचेलोटी इज ही अ वेरी गुड मैनेजर, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट आई गेस मैड्रिड लेवल वाला नहीं है, मैड्रिड लेवल वाला नहीं है। आई नो ही इज़ वन दैट यूजियल एंड एवरीथिंग, बट फिर भी मुझको ऐसा लगता है आई गेस देर आर बेटर मैनेजर्स इन द मार्केट, मोस्ट प्रोबली शैबी अलोंसो, जो मेरे ख्याल से इस बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ ना ये 1-1 वाला गेम या 2-1 वाली विक्ट्री 4-1 कर सकती थी। जैसे बार्सिलोना ने इंटेंसिटी ड्रॉप करी थी सेकेंड हाफ के आखिरी में, मेरे ख्याल से ये गेम इजिली 4-1 ऑफ हो सकता था। लेकिन कार्लो एंचेलोटी ने ऐसा कुछ टेक्टिकल ट्विक्स करे ही नहीं जिससे वो हो पाता, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने इनको बचाया। बाकी बार्सिलोना की तरफ से इनिगो मार्टिनेस मुझको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है। गावी वर्सेस जूड मेक्स नो सेंस, मैंने ये भी आपको समझा दिया, क्योंकि भाई बहुत डिफेंसिवली वो खेलता है। मॉड्रिज इज स्टिल अ बीस्ट, मॉड्रिज जैसा बंदा अगर आपके सब्स्टिट्यूशन वाले मैच में बैठा हुआ है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है भाई। वो बंदा कैसे आकर के गेम बदल देगा आप लिटरली इमेजिन नहीं करके रखोगे, और वो करके दिया। एंड कामाविंगा इज अ ब्रिलियंट प्लेयर भाई, ही जस्ट डस नॉट लूजेस हिज होप। वो मैंने वर्ल्ड कप वाला गेम का आपको बताया ना फाइनल में कैसे वो आकर के गेम बदला था, ये बंदा हारते हुए वक्त आकर के बॉल मांगता है अपने पैर पे और गेम बदल करके आपको दिखाता है। एंड अगेन जूड बेलिंगम तो टैपिंग मारता है ना, ही ओन्ड दी शो, लिटरली ही ओन्ड दी शो। वो लॉन्ग शॉट मारने से लेकर के विनिंग गोल मारना, अपने पहले डब्ल्यू एल क्लासिको में ब्रेस मार करके गेम जितवाना, एक लॉन्ग शॉट स्क्रीमर और 90 मिनट का गोल, इट्स नॉट समथिंग विच एवरी प्लेयर कुड डू, बिलीव मी। एंड मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, इट्स नॉट बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड में बार्सिलोना लॉस्ट टू रियल मैड्रिड, बट बार्सिलोना लॉस्ट टू जूड बेलिंगम ओनली, समझ रहे हो। जैसे हमको मैसी बचाता था ना, इस जूड बेलिंगम मैड्रिड को बचा रहा है। एंड ये कहानी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट ये कहानी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, मैं सच बात कह रहा हूँ। एनीवेज रोमेयू का गेम 2-3 गेम से अच्छा नहीं नज़र आया है सेकेंड हाफ में। जो हमने इंटेंसिटी ड्रॉप करी है वो मोस्ट प्रोबली रोमेयू के ही चलते हैं। एंड रफीना एंड लेवेंडोस्की में कोई शार्पनेस नहीं था, जिसके चलते ही मोस्ट प्रोबली स्टार्ट नहीं किया गया था उन दोनों को, जो अपने आप में समझने वाली बात थी कि क्यों नहीं था वो बात। लेकिन इतने लंबे इंजरी के बाद मेरे ख्याल से ये गलत सब्स्टिट्यूशन जो है वो शावी ने किया था। लमीन यामाल को भी गलत समय में जो है वो गलत जगह उतार दिया। तो रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम शावी एंड सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम रियल मैड्रिड टर्न दिस गेम अराउंड। एंड एक आई शुड नॉट से कि रियल मैड्रिड अनडिजर्विंग ये गेम जीत गई, बट बार्सिलोना वॉज जस्ट बेटर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 65 मिनट ऑफ द गेम्स, और हर एक इंडिविजुअल बैटल बार्सिलोना के प्लेयर्स ने ही जीता है। इट्स जस्ट जूड फकिंग बेलिंगम जो रोनाल्डो टाइप यू नो कमिंग आउट ऑफ नो वेयर एंड सेविंग रियल मैड्रिड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट एंड सेविंग कार्लो एंचेलोटी'स जॉब एज वेल। एनीवेज दोस्तों, जिस दिन जूड बेलिंगम नहीं चलता, यू सॉ व्हाट हैपेंड अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, यू सॉ व्हाट हैपेंड्स अगेंस्ट सेविया। सो माई वर्ड्स माइट हर्ट सम मैड्रिड फैंस, आई हैव बिकेम अ ह्यूज फैन ऑफ जूड बेलिंगम,
बट जूड बेलिंगम इज सेविंग रियल मैड्रिड एंड कार्लो एंचेलोटी'स जॉब एज वेल, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट. बी डे जूड बेलिंगम थोड़ा सा ड्रॉप हुआ ना, गेम खत्म हो जाएगा. जैसा जैसा पिछले सीजन विनिशियस के साथ हुआ था, आपको याद होगा, हुआ था ये, शाबी अलोंसो को ले आओ, आग लगवा देगा वो, मेरी बात मान लो. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. थोड़ी वीडियो लंबी हो गई बट गेम ही ऐसा था, माहौल ही ऐसा था, थोड़ा सा लंबा हो गया. मिलता हूँ अगली वीडियो में. जय श्री राम. टेक केयर. पीस. जय हिंद. वंदे मातरम. का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ.